अस्सलाम वालेकुम, UH वर्ल्ड टूर के साथ मैं हूं हसन लतीफ। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूं आज की हमारी इस वीडियो में। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुल्तान की तारीख। तो चलो दोस्तों, वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। मुल्तान पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक अहम शहर है। ये शहर दरियाए चनाब के किनारे आबाद है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का पांचवां बड़ा शहर है। मुल्तान का रकबा 3721 मरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और मुल्तान की कुल आबादी की बात करें तो 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान की कुल आबादी 2.1 मिलियन है। इसके मोहल्ले वकूअ की बात करें तो ज़िला मुल्तान ज़िला खानेवाल से शुमाल और शुमाल मशरक की तरफ, ज़िला वेहाड़ी से मशरक और लोधरा से जनूब की जानब वाक़िया है। दरिया चनाब मुल्तान शहर की मगरबी तरफ से गुजरता है, जिसके दूसरी तरफ ज़िला मुजफ्फरगढ़ मौजूद है। मुल्तान डिवीज़न के चार अज़ला हैं, ज़िला मुल्तान, ज़िला खानेवाल, ज़िला लोधरा, ज़िला वेहाड़ी। इसकी तहसीलों की बात करें तो मुल्तान की चार तहसीलें हैं, तहसील मुल्तान शहर, तहसील मुल्तान सदर, तहसील जलालपुर पीरवाला, तहसील शुजाबाद। अगर हम मुल्तान की तारीख के ऊपर आएं तो यहाँ एक कौम आकर आबाद हुई जिसका नाम माली था और संस्कृत में आबाद होने को इस्तहान कहते हैं। यूं इस शहर का नाम माली इस्तहान पड़ गया, जो रफ्ता रफ्ता माली तान बन गया। फिर वक्त के साथ साथ इसके नाम में काफ़ी तब्दीलियाँ आईं, जिसके बाद इसको मुल्तान का नाम दिया गया। मजीद तारीख की बात करें तो 327 कबल मसीह में सिकंदर ने मुल्तान को फतह किया। मुल्तान की फतह के दौरान सिकंदर की कमर में तीर लगा, जो रीढ़ की हड्डी में प्रवेश हो गया, जिसको लाख कोशों के बावजूद भी नहीं निकाला जा सका और इसका कुछ हिस्सा काट दिया गया। सिकंदर की फौज ने अपने बादशाह के जख्मी होने का बहुत भयानक इंतकाम लिया और शहर में किसी को भी जिंदा ना छोड़ा। इस्लामी तारीख की बात करें तो मुल्तान को 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया और पहली बार इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। इसके बाद 997 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के साथ साथ मुल्तान को भी फतह किया। 1175 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने खुसरो मुल्क को शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। सुल्तान गोरी के बाद बेशुमार खानदानों ने इसको अपना पाया तख्त बनाए रखा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने मुगलिया सल्तनत को शिकस्त देकर मुल्तान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। 1947 में आज़ादी के बाद मुल्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। मुल्तान का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। बहुत से शहर सफ़ाए हस्ती से मिट गए, लेकिन मुल्तान शहर हजारों साल पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और सही सलामत है। मुल्तान को ओलिया का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी तादाद में ओलिया और सूफिया के मज़ारात हैं। मशहूर मज़ारात में हज़रत सैदना यूसुफ शाह गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ सहर फरिस्त है। मशहूर आलम अहल सुन्नत हज़रत अब्दुल हक मुअद्दस दहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अख्यार में गवाही दी है कि आप विसाल के बाद भी कब्र तशरीफ से हाथ बाहर निकालकर बैत लेते थे और अभी तक वो निशान बाकी है। दीगर मज़ारात में हज़रत शाह शम्स तबरेज़, हज़रत बहाउल हक बीबी नेक दामन, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, हज़रत शाह रुकन आलम, हज़रत मूसा पाक शहीद, हज़रत सैयद अहमद सैयद काजमी, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद जमाल, हज़रत बाबा पीरा गायब और भी बहुत से औलिया कराम के मज़ारात यहाँ पर मौजूद हैं। मुल्तान में कुछ कदीम दरवाज़े भी हैं, जिनमें पाक गेट, पुरम दरवाज़ा, पाक दरवाज़ा, बोहड़ दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा और दौलत दरवाज़ा और जौहारी दरवाज़ा शामिल हैं। मुल्तान के अगर मशहूर मकामात की बात करें तो इनमें हुसैन आगाही, घंटा घर, अजीज़ होटल, कदीराबाद, सूरज मियानी, कासम बेला, लंगड़ियाल, शेर शाह और पीरा गायब शामिल हैं।
अगर मुल्तान की सौगात की बात करें तो हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा मुल्तान की सबसे मशहूर सौगात है। इसके अलावा रेवड़ी की मिठाई, दलमीर के पेड़े, फर्म गेट की खीर, नवाब होटल का नमकीन, खूनी बुर्ज की मछली, गोली वाली बोतल और रशीदाबाद का देसी नाश्ता भी शामिल है। अब हम मुल्तान की मशहूर शख्सियात के बारे में बात करते हैं तो इनमें शौकत वास्ती, यूसुफ रजा गिलानी, मखदूम जावेद हाशमी, असद मुल्तानी, उजमा गिलानी, एतबार साजिद और खालिद मसूद खान शामिल हैं। तो यहीं तक थी आज की ये हमारी वीडियो। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल UH World Tour को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।